हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीएपीएफ पेपर 2 का ऑनलाइन टेस्ट पेपर 20 एसी 10 के आर्गुमेंट के आंसर्स का डिस्कशन करेंगे। और टोटल आपको पता ही है 10 टेस्ट पेपर्स हैं और उसमें जितने भी आर्गुमेंट के क्वेश्चंस हैं, रिपोर्ट के क्वेश्चंस हैं, एसेस के क्वेश्चंस हैं, सब के सब अपलोड हो गए हैं यूट्यूब में। और जो भी मेरे चैनल को पहली बार विजिट किया है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट दिखेगा, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज वीडियोस 2020। उस प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो आपको हर टेस्ट पेपर का रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, एसे के क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। ओके, और ये लास्ट वीडियो है 20 एसी 10 आर्ग्यूमेंट का। तो इसमें पहला आर्ग्यूमेंट का क्वेश्चन पूछा गया है, टू चाइल्ड पॉलिसी इज नेसेसरी फॉर इंडिया। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट के बारे में देख लें। आप फॉर्मेट इस तरह से लिखोगे, इंट्रोडक्शन अंडरलाइन करोगे और उसके नीचे लिखोगे। बहुत सारे इधर पे लिख देते हैं तो इधर पे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर आप चाहते हो कि मैसी लुक ना हो तो आप नीचे लिखना। फिर आप फॉर लिखोगे, अंडरलाइन करोगे और फिर इसके नीचे 1, 2, 3 पॉइंट्स दोगे। वैसे ही अगेंस्ट लिखोगे, 1, 2, 3 पॉइंट्स और फिर कंक्लूजन और इसके नीचे अंडरलाइन करना और फिर कंक्लूजन यहाँ पे ड्रॉ कर देना। ओके, और फॉर और अगेंस्ट में इक्वल नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, 1, 2, 3, 1, 2, 3। अगर 2 है तो 2 अगेंस्ट में भी और फॉर में भी होने चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई पूरा मतलब कि बहुत सारे पॉइंट्स डालो, 5, 6, 7, 8 इस तरह से। मगर स्टूडेंट्स ध्यान रखना, एग्जामिनर आपका क्वान्टिटी नहीं देखता है, क्वालिटी देखता है। तो आप जो भी पॉइंट्स मैंशन कर रहे हो 2 करो, मगर उसको अच्छे से एलैबोरेट करो। मेरे जो आंसर्स होते हैं आर्ग्यूमेंट का, अगर आप देखोगे तो उसमें मैंने कभी भी 3 पॉइंट से ज़्यादा नहीं दिया है। क्योंकि देखिए, आपको एक तो वर्ड लिमिट का भी ख्याल रखना है, 300 वर्ड्स में आप ख़त्म कर दो, हालांकि मैंने 336 लिया है, तो वर्ड लिमिट का भी ख्याल रखना है। और दूसरा आपको ये भी देना है कि भाई जो भी आप पॉइंट्स मैंशन कर रहे हो फॉर या अगेंस्ट में, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ डेटा दो, तभी उस पॉइंट में स्ट्रेंथ आएगा, वरना ऐसा लगेगा आप हवा में बातें कर रहे हो। ओके, तो आप ये मत सोचो कि मुझे नंबर ऑफ पॉइंट्स इंक्रीज करने हैं, आप ये सोचो कि मैं जो भी पॉइंट दे रहा हूँ उसको बहुत अच्छे से लिखूँ, इलैबोरेटली लिखूँ। ओके, इंट्रोडक्शन जो आर्ग्यूमेंट का होगा वो शॉर्ट और क्रिस्प रखोगे। अब बेसिकली इंट्रोडक्शन में न्यूट्रल फैक्ट देना है और आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हो या ये डिबेट क्यों ट्रिगर हुआ है आप ये बता सकते हो। कंक्लूजन जो होगा वो पूरा का पूरा कनेक्टेड होना चाहिए क्वेश्चन से, कोई जनरल सा कंक्लूजन नहीं दोगे। जैसे टू चाइल्ड नॉर्म के बारे में अगर क्वेश्चन है तो मैं इसी के बारे में बताऊंगी, इट इज़ नॉट द सोल्यूशन। ओके, इस तरह से। एनीवेज, अब हम देखते हैं कि फॉर का पॉइंट क्या है। इस फॉर के पॉइंट में मैंने लिखा है कि अगर पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं किया गया तो चाइना को भी बाईपास कर देगा इंडिया, इसीलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट मैंने दिया है कि इंडिया के पास लिमिटेड नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो बर्डन बढ़ेगा और इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। फिर मैंने थर्ड पॉइंट लिखा है कि कुछ स्टेट्स हैं, उड़ीसा जैसे कि, उसमें कैंडिडेट्स को बार कर दिया गया है गवर्नमेंट जॉब के लिए यदि उनके 2 बच्चे से ज़्यादा हैं। वैसे ही आसाम का मैंने दे दिया है। और फिर मैंने लिखा है कि द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा शोज दैट द फर्टिलिटी रेट आर डिक्लाइनिंग इन दीज स्टेट्स एज कम्पेयर टू द रीसेंट पास। तो इन्होंने जो पाबंदी लगाई है उड़ीसा आसाम जैसे स्टेट्स में, वहाँ पे फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन कर रही है। फिर मैंने अगेंस्ट में दिया है कि टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म इंडिया में नहीं है और तब भी इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो स्लो डाउन कर रहा है, इसीलिए हमें टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये भी बोला है कि अगर टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म्स रखेंगे तो सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन हो सकता है। और एक और चीज़ मैंने बताई है, एजिंग पॉपुलेशन बढ़ सकते हैं जैसे कि चाइना में हुआ है, इसलिए चाइना भी वन चाइल्ड पॉलिसी जो नॉर्म है उसको ख़त्म कर दिया था 2015 में। फिर उसके बाद मैंने लिखा है थर्ड पॉइंट कि टू चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म इज़ वायलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंट्री इन्फॉर्म चॉइसेस, ह्यूमन राइट्स एंड राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ओके, फिर मैंने इसको थोड़ा सा इलैबोरेट किया है और फिर मैंने कंक्लूड किया है कि द टू चाइल्ड नॉर्म्स इज नॉट द सोल्यूशन, इंसटेड वी नीड टू फोकस ऑन चेंजिंग सोशल नॉर्म्स, इंक्रीजिंग द इन्वेस्टमेंट इन फैमिली प्लानिंग सर्विसेज एंड जेंडर इंक्लूसिव सोशियो इकोनॉमिक पॉलिसीज। द UN इज अ सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ मल्टीलैटरल कोऑपरेशन।
मैंने इसमें इंट्रोडक्शन दिया है, द यूएन इज इन इट्स 75th ईयर इज बीइंग डाउटेड फॉर इट्स क्रेडिबिलिटी इन द वेक ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस अ ग्लोबल पैंडमिक एंड अ वाइडर ब्रेकडाउन इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन. तो यूएन एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल है या नहीं है, ये क्यों डाउट रेज हो रहा है, तो मैंने इसका रीजन दे दिया, क्लाइमेट क्राइसिस, पैंडमिक और इंटरनेशनल कोऑपरेशन का ब्रेकडाउन होना. तो मुझे अगर फॉर्म में लिखना है तो मुझे ये लिखना है कि हाँ ये एक सक्सेसफुल एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन है, मल्टीलैटरल कोऑपरेशन है. तो मैंने इसमें लिखा है कि यूएन सक्सेसफुल रहा है इन प्रिवेंटिंग फुल फ्लेजर मिलिट्री कन्फ्रंटेशंस. मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया और मैंने इसको सपोर्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल दे दिया यहाँ पर. फिर पीस कीपिंग ऑपरेशंस के बारे में मैंने यूएन का सक्सेस बताया है और लाइबेरिया का एग्जाम्पल दिया है इसमें. फिर उसके बाद फूड असिस्टेंस जो यूएन प्रोवाइड करता है उसके बारे में बताया है और उसको इसका नोबेल प्राइज भी मिला है, ये भी बताया है. अब अगेंस्ट में मैंने लिखा है कि यूएन सक्सेसफुल रहा है थर्ड वर्ल्ड वॉर को प्रिवेंट करने में, मगर इराक, यूक्रेन, सीरिया में एग्रेशन को कंट्रोल करने में यूएन अनसक्सेसफुल रहा है. फिर मैंने और भी कन्फ्लिक्ट्स बताए हैं, कॉन्गो का, येमेन, म्यांमार, पैलेस्टाइन, ये सब के भी बताएं कि इसको ये लोग कॉम्बैट नहीं कर पा रहे हैं. फिर COVID-19 को किस तरह से यूएन ने हैंडल किया है ये भी मैंने यहाँ पर बता दिया. और फिर यहाँ पर सिक्योरिटी काउंसिल्स का जो शॉर्टकमिंग है वो बताया है कि 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो वीटो पावर एक्सरसाइज कर सकते हैं, द रेस्ट ऑफ द नॉन परमानेंट मेंबर्स आर रेंडर्ड हैंडीकैप्ड. इट इज आयरोनिकल दैट द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नॉट इटसेल्फ डेमोक्रेटिक इज फाइटिंग फॉर अदर्स डेमोक्रेटिक राइट्स. फिर मैंने कंक्लूड किया है, द यूएन फेलियर एंड सक्सेस डिटरमाइन द फेट ऑफ ह्यूमैनिटी अमिड ऑल थ्रेट्स टू इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. द यूएन देयरफॉर मस्ट अंडरगो रिफॉर्मेशन सो दैट इट मे री इमर्ज एज एन एफिशिएंट एंड कोहेरेंट इंटरनेशनल बॉडी. तो आपका कंक्लूजन पूरा का पूरा कनेक्टेड होना चाहिए आर्गुमेंट क्वेश्चन से. जिस किसी को भी इस टेस्ट पेपर के आंसर्स चाहिए वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो उनको 20AC10 का लिंक दिखेगा जिसमें 164 वाले में आप क्लिक करोगे, ऑनलाइन पेमेंट करके आप इसके PDF ले सकते हो. थैंक यू स्टूडेंट्स.